रेडियो चालू है, रेडियो चालू है। ओ हमको तो पता ही नहीं था। गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो पे से ये नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। तो आज पीछे देख रहा हूँ ये आ चुके हैं ऑफिस से और शाम में फिर से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग, क्योंकि आज फिर से क्यारा का तबीयत, आज मतलब बहुत दिन बाद क्यारा का तबीयत खराब हुआ है, फिर से तो नहीं बोल सकते। और पूरा सर्दी हो गया, नाक से बिल्कुल नेटू आ रहा है इसका, क्यारा क्यारा, और आँख से पानी भी आ रहा है बहुत ज्यादा। और इसका मतलब रात भर सोई नहीं है, तो अभी हम किसी तरह इसको 1.5 घंटा तक तो सुलाए, उसके बाद फिर उठ गए, पेट पे सोई। अभी जस्ट दवाई खा के अभी आए, 3 दवाई लेके आए थे इसको, तो अभी तुरंत दवाई खाई है, अभी जस्ट दवाई खाई है और पूरा मुंह सूख गया, कुछ खाई भी नहीं है। सुबह तो खिलाए इसको तो पूरा उल्टी कर दी, पूरा खाना उल्टी कर दी, फिर छोड़ दिए, दवाई नहीं दी, फिर दिन में खिलाए तो थोड़ा सा खाई, एक रोटी खाई, और उसके बाद अभी तक कुछ खाई नहीं है। पहले वीडियो में जानबूझ के फेस उधड़ने कर रही है, हाँ क्योंकि इसका बड़ाई हो रहा है ना। बड़ाई क्या हो रहा है, इसका तबीयत खराब हो गया, बड़ाई हो रहा है, तो इसलिए अभी पहले दवाई दे दिए, नहीं तो उल्टी कर देती। उधर देखो ना वीडियो बनना। तो ये दोनों तो बैठ के टीवी देख रहे हैं और अब हम जा रहे हैं छत पर कपड़ा उठाने के लिए। यहाँ पे हल्दी तो सूखा है, थोड़ा बहुत सूखा है, उतना भी नहीं सूखा। कपड़ा उठा लेते पहले। आज हम बनाने वाले हैं शाम में ऑयल फ्री सूप एंड विथ पॉपकॉर्न, तो इनके लिए, क्योंकि इनका थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था तो आपको बताए थे। और सॉरी पीछे फिर मैं खुला हुआ भी है और यहाँ पे दूध चला हुआ है मेरा और यहाँ पे क्या रहेगा, ओट्स भी बन रहा है शाम में। तो चलिए बनाते दिखाते आपको कैसे हम बना रहे हैं। 2 टोमेटो, कैरेट आधा और आधा मिर्ची, आधा प्याज और ये कोरिएंडर लीव्स। तो इसको पहले फाइनली चॉप्ड करेंगे, मतलब छोटा छोटा कट कर देंगे। तो चलिए कट करते हैं पहले इसको। चालू है, ओ हमको तो पता ही नहीं था। तो हो गया, तो ये अब हम इसको चॉप कर दिए हैं, थोड़ा ये कुकर नहीं डालेंगे तो इसको थोड़ा ही करना था, तो चलिए दिखाते हैं। गाइस तो ये सब इसमें डाल दिए, थोड़ा पानी डाल के, और ये एक सिनेमन का टुकड़ा डालेंगे इसमें, ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। पहले इसको धो लेते हैं और ये इसमें गया, और थोड़ा नमक डालेंगे, ये सिंधा नमक ही है हम लोग जो यूज करते हैं, सिंधा नमक। और उसके बाद इसको ढक देंगे और सीटी लगाएंगे। यहाँ पे कुकर अब एक सीटी लगेगा, उसके बाद थोड़ा कम कर देंगे और उसके बाद फिर 2 मिनट बंद, कम करने के बाद उसको बंद कर देना है और फिर उसके बाद इसको छाकेंगे। थोड़ा सा तुलसी लीव्स भी देंगे तो ऊपर जाना होगा उसके लिए। तो चलिए ये से थोड़ा चूरने के लिए काला मिर्च हो गया, लाइए। अच्छा वहाँ रख दीजिए, हम ले जा रहे हैं अभी, ऊपर जा रहे हैं तुलसी जी लेने के लिए, तुलसी पत्ता लेने के लिए। गाइस तो हमको तुलसी पत्ता भी उसमें डालना है तो हमको थोड़ा लेना होगा। गाइस तो इसमें एक सीटी लग गया था, अब इसको बंद कर देंगे फ्लेम का। तो क्यारा कुछ खाने रही थी तो उसके लिए पेस्ट्री मंगवाए हैं, दिखाइए। पैक होगा ना? पैक तो नहीं होगा, तो कितना बड़ा कार्टून दिया जोमेटो से आया, ये वैनिला वाला, इसके लिए मंगवाए, एक मेरे लिए और एक इसके लिए। और इसका ओट्स रखा हुआ है, देखिए खाती है कि नहीं। खाओ। हाँ तो ये देखिए ऐसा हो गया, अब इसको थोड़ा रोजी लिप्स को भी इसमें डाल देंगे और फिर ये हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेंगे।
पहले छान लेंगे। चढ़ा देंगे और ये पूरा ये जूस को पूरा इसमें डाल देंगे। और ये हो गया, और इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। ये तो सिंधा नमक है जो हम यूज़ करते हैं घर में हमेशा। और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, टर्मरिक, और ये मरीच मतलब काला मिर्च जो होता है इसको हम पीस के ये दिए थे, और ये भी डालेंगे इसमें पूरा। इसको उबलेगा थोड़ा, और इसको थोड़ा गहरा मतलब ठीक करने के लिए हमको थोड़ा सा यूज करना होगा ये, इसको क्या बोलते हैं, अच्छा बताते हैं, रुकिए पहले ये तो डाल दें। ठीक करने के लिए इसको डालना ही है हमको इसमें। तो ये हुआ, ये सूप थोड़ा सा उबलेगा 2 मिनट के लिए, इसको उबाल आएगा इसमें। उसके बाद ये सूप मेरा तैयार, टेस्टी टेस्टी सूप। जिसको जिसको पीना है सूप आ जाइए और हम पिलाएंगे। तो ये तो कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ मेरा टेस्टी टेस्टी सूप तैयार है और अब इसको सर्व करेंगे। और एक चीज़ बनाना बाकी है, बस तो ये पॉपकॉर्न अब बनाना है। मेरा सूप तो तैयार है, बस इसको सर्व करना है और इसको थोड़ा सा हीट हो जाए पूरा कुकर, उसके बाद ये डालेंगे। Hey guys, तो कैसा लगा ये रेसिपी? हम भी मतलब कहीं से सीख के ही बनाए हैं, और अब ये पॉपकॉर्न बना रहे हैं। इसमें डालना है, ये हमको थोड़ा डर लगता है पॉपकॉर्न बनाने में, मतलब सब सोचा होगा क्या डर लगता है, लगता है हमको लगता है पहले ही नहीं फूट जाएगी। तो अब ये इसमें डाल दिए, अब इसको ढक देंगे। कम आंच में ही रखेंगे क्या, मीडियम में? तो बस ये अब हो जाएगा, उसके बाद आपको दिखाते हैं सर्व करके। तो यहाँ पे क्यारा क्या खा रही हो? क्यारा बच्चा का डांस देख रही है, छोटा बच्चा। ओ, डांस देख रही है, देख देख के खा रही। क्यारा, नानी का फोन आया था, बात करोगी ना? क्यारा का भी तबीयत खराब है, इसके नाना का भी तबीयत खराब है, रात भर नहीं सोई थी ना, रात को सपना देख रही थी। बच्चा नहीं सोता रात में। हमको मत मारो प्लीज, हमको छोड़ दो, इसको लग रहा था कोई मार रहा था। तो कितना दिक्कत होता है। और पता है, और दिन में भी सोई थी तो नींद में बोल रही है पप्पा पप्पा पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, बहुत सपना देखने लगी। लो क्या पापा पापा बहुत करती है आजकल। तो नेहा का आ गया, बाप रे, ये देखिए कितना सारा हो गया पॉपकॉर्न, पूरा बना ली थी क्या? रख देना, हम तो नहीं था। रख देना कोई कंटेनर में, डिब्बा में, कोई डिब्बा में। और ये सूप कैसा बना, होममेड सूप? लग तो टेस्टी रहा। सूप बनाए, नहीं सेकंड है ना। कौन तो खाई ने, तो क्यारा बोली अपनी मम्मी को, मम्मी मतलब बोली तो इसकी मम्मी ही, लेकिन बोली हाँ खाएंगे। तो जोमेटो से ऑर्डर किया है ये पेस्ट्री 2, एक नेहा के लिए, क्यारा के लिए, और एक तो यहाँ तोड़ वोड़ के लगा ली है 2 क्यारा को। खाएगी क्यारा पेस्ट्री? जोमेटो के लिए तो पेस्ट्री के लिए परेशान, ब्रेड क्रीम हटा के ही दो। हाँ, तो ये वाला देता। ब्रेड खाई के ज्यादा अच्छा। अरे वाह, इधर बोलो, बोलो थैंक यू, बोलो पापा को। आ इधर देखो ना, इधर बोलो प्लीज हमारे वीडियो को, वीडियो पर, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए बोल रही है, तो प्लीज कर लीजिए क्यारा के लिए। खिलाओ, खिला दे वनीला।
गाइस, तो अभी पॉपकॉर्न और क्या खाए थे, सूप पिए थे, जो कि बहुत टेस्टी बना था। मार्केट से तो बहुत अच्छा और घर का सबसे बड़ा हेल्दी चीज़ है और बहुत अच्छा बना था। थैंक यू सो मच। और क्या रहा अपना, ऑयल फ्री क्या रहा? यहाँ किसी से एसी वाला रिमोट लेके बात कर रहे हैं। कहाँ चली महारानी? महारानी किससे बात करी थी? किससे करी थी बात? हाँ, कलम आया था। कलम आया था, दिखाओ कौन चीज से बात करी थी, क्या चीज से बात करी थी, ये तो दिखा दो। एसी का रिमोट से किसी से गप कर रही थी। गजब। हेलो, शो कर रही हूँ। हे गाइस, तो इसका भी बुखार हो गया इसको। 101 सर्दी के कारण फीवर हो गया। बोलो 101। 101 इसको बोल रहे हैं। कैसा लग रहा है कह रहा? तो बोल रही अच्छा। कैसा लग रहा है कह रहा? अच्छा लग रहा है। उसको ऑफ करो, स्विच ऑफ करो। वो सर्दी के कारण हो गया है, और कोई कारण नहीं है। सर्दी बहुत ज्यादा सर्दी हो गया। अब इसको दवाई देना होगा, फीवर तो सही में बढ़ गया। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away.